देश में लोकतंत्र के पर्व यानी चुनावों के तारीख की घोषणा हो गई है। चुनाव आयोग ने आज इस बात की जानकारी दी कि पूरे देश में 7 चरणों में वोटिंग होनी है। पहला चरण 19 अप्रैल को, दूसरा चरण 26 अप्रैल, तीसरा 7 मई, चौथा 13 मई, पांचवा 20 मई, छठा 25 मई, जबकि सातवां चरण 1 जून को होगा। लेकिन वहीं यूपी की बात की जाए तो यूपी में 7 चरणों में चुनाव कराया जाएगा और सारे नतीजे 4 जून को आएंगे। तो आइए जानते हैं यूपी में किस सीट में कब चुनाव होना है। यूपी में पहले चरण यानी 19 अप्रैल को सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में चुनाव होगा। इसके साथ ही दूसरे चरण यानी 26 अप्रैल को अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा में चुनाव होना है। इसके साथ ही तीसरे चरण यानी 7 मई को संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली में चुनाव होगा। इसके साथ ही चौथे चरण यानी 13 मई को शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फरुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच में चुनाव होना है। इसके साथ ही पांचवें चरण यानी 20 मई को मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौसाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा में चुनाव होगा। इसके साथ ही छठवें चरण यानी 25 मई को सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछलीशहर और भदोही में चुनाव होगा। इसके साथ ही सातवें चरण यानी अंतिम चरण में 1 जून को महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज में चुनाव होना है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।